हरियाणा प्रदेश में आजकल आपराधिक मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे रोकने में शासन और प्रशासन असफल दिख रहा है। अगर यहाँ की आपराधिकता पर एक नजर डाली जाए तो यहाँ से रेप की घटनाएं आए दिन सामने आती ही रहती हैं। लेकिन फिलहाल जो घटना सामने आई है उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा में बेखौफ बदमाश इस कदर खुलेआम घूम रहे हैं कि वह किसी भी वक्त किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने को तैयार हैं। दरअसल अब जो घटना सामने आई है वह आई है कि सोनीपत से। यहाँ के बलाहागढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शख्स के सिर पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। मृतक का नाम राकेश बताया जा रहा है। उसकी उम्र 28 साल है, जो कि सोनीपत के चौहान जोशी का रहने वाला है। इस घटना से जुड़ी अब तक की मिली जानकारी के अनुसार राकेश के दोस्तों ने उसकी गोली मारकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि सोमवार यानी आज अल सुबह लगभग 4 बजे राकेश को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। खबर यह है कि पुलिस ने 3 दोस्तों पर FIR दर्ज कर ली है। ज्ञात रहे कि शनिवार 22 जून को सोनीपत के गांव रजलूगढ़ी में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। यहां हत्या किसी मामले में कहासुनी को लेकर की गई थी। वहीं युवक की हत्या के बाद परिजनों ने युवक की लाश को बीच सड़क पर रखकर रोड जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी।